Hello friends, kids and their parents, myself Benazir Sahil and welcome to my YouTube channel Fun Activity and Vlogs. आज की व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी मेरा एक एक्टिविटी डे जिसको हमने वर्कशीट डे का नाम भी दिया था क्योंकि इसके दिन हमने वर्कशीट करवाई थी. ये वर्कशीट एक पैटर्न वर्कशीट थी ऐसा कि जैसे कि आप देख सकते हो. ये मैं वीडियो के अंदर भी आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है. और इस वीडियो को हमने कैसे कंप्लीट किया क्योंकि वर्कशीट बनाना आसान है, बच्चों को देना आसान है, बट बच्चों के साथ मिलकर करना इतना आसान नहीं होता है. बट हम टीचर्स हैं, हमें ज़रूर पता है कि वो कैसे करना चाहें, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ. तो चलिए देख लेते हैं वीडियो में हमारे एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैं टेबल और चेयर को सेट कर रही हूँ. वैसे हमारी मेड एक बार जब वो सफाई करती है तो सेट करके जाती है, बट हम लोग एक बार खुद से सेट कर लेते हैं बिकॉज़ बच्चों के साथ हमें बिठाना होता है. अकॉर्डिंग टू दैट उसके अकॉर्डिंग करते हैं ताकि बच्चों को शिकायत ना रहो, मैम हमें वो पैर लगा रहा है, मैम हमें वो मार रहा है. इसलिए हम लोग को इक्वल डिस्टेंस में चेयर रखना होता है. तो जैसे कि देख रहे हो आप लोग, एक टेबल पे 8 बच्चे बैठ सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर लेते हैं ताकि बच्चों को गर्मी भी ना लगे, बच्चे इजीली आराम से बैठ सकें. ओके, तो मेरी क्लास सज चुकी है, आप लोग देख रहे हो. बच्चा पार्टी भी आ चुके हैं, अब धीरे धीरे हम बच्चा पार्टी को बिठाएंगे. अब बच्चा पार्टी को बिठाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज कुछ बच्चे सिबलिंग्स होते हैं तो उनको उनके साथ बैठना होता है तो रोने लग जाते हैं. तो हम लोग इसी तरीके से उनको उनके साथ या उनके बगैर जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे हम लोग सेट कर लेते हैं. दोनों को कंफर्टेबल होना चाहिए, टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ. तो मैंने धीरे धीरे करके सारे बच्चों को, मैंने और मेरी हेल्पिंग टीचर ने मिलकर बच्चों को बिठा दिया है. यस, बच्चे बैठ चुके हैं अब. तो अब इसके बाद हम एक इनको छोटा सा लेसन देंगे एक और, जो कि है गुड मॉर्निंग लेसन. क्योंकि नया बैच स्टार्ट हुआ है, नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि आपको गुड मॉर्निंग विश करना है. सारे बच्चों को खड़े करके मैं सब बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करवा रही हूँ. सब बच्चे बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, आई एम सेइंग टू देम दैट गुड मॉर्निंग, सिट डाउन. तो सारे बच्चे बैठ गए हैं. अब ये वर्कशीट है मेरी, वर्कशीट आप देख रहे हो, पैटर्न वर्कशीट है, ठीक है. और इसके ऊपर मतलब ये पैटर्न्स हैं जिसमें बच्चे ड्रॉ करेंगे. मैं आपको एंड में एक वो दिखा दूंगी जो कि पूरी वो है, हमारी वर्कशीट है. और उस वर्कशीट्स पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अभी दिखाऊंगी कि हम लोग कौन कौन सी वर्कशीट सर्कुलेट करने वाले हैं. टॉप वर्कशीट जो होंगी वो मैं आपको सारी दिखा दूंगी. वर्कशीट्स पे मैंने एक एक करके नाम लिख लिया है. जब तक मैं नाम लिख रही हूँ मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, इससे मैं अप्रिशिएट होंगी. ये वर्कशीट है, देख रहे हो आप, मैंने इसको तीनों टेबल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब बच्चों के पास जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स. बच्चों के पास पहुंच गई है, मेरी हेल्पिंग टीचर अभी आएंगी और वो भी ऐसे ही बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी. सारे बच्चे अपने आप से नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनको हाथ पकड़ के भी करवाना होता है. कुछ बच्चे इंतज़ार में बैठे रहते हैं, मैम आएगी तभी करेंगे, चाहे वो खुद से कर रहे होते हैं तो भी वो खुद नहीं करते हैं, मैम के सामने ही बैठेंगे. तो ऐसे ही हम बच्चों को शीट दे रहे हैं, बच्चे शीट का कचरा बनाए. इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई. ये काव्या है, काव्या ने आधी शीट जब तक मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी तब तक करना भी शुरू कर दिया था बिकॉज शी इज़ टू मच फास्ट इन दिस वर्क्स. पैटर्न वर्क्स उसको बहुत पसंद है शुरू से ही. और ये माही है, इसको भी बहुत पसंद है. थोड़ी सी बड़ी बच्चा है बट लेट एडमिशन है तो इसलिए जल्दी और बहुत अच्छा करती है. बट कुछ बच्चे हैं जिसको मुझे खुद हाथ पकड़ के करवाना है. अभी मैं जाऊँगी अतुल और अतुल की बहन रितु के पास. ये दोनों में शायद 1 ईयर का डिस्टेंस है और ये बच्चे नहीं कर पाते हैं तो इन्हें हमें हाथ पकड़ के समझाना होता है फिर कर लेते हैं. पैटर्न ड्राइंग का मतलब एक्सेल में ये नहीं होता कि बस आपने ट्रेस कर डाली. पैटर्न का मतलब ये होता है जैसे पैटर्न दिया हुआ बिना पेंसिल उठाए आपको एंड ऑफ द पॉइंट तक वैसे ही करना है. तो मैं वही मेथड बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. तो इस तरीके से करते करते कुछ बच्चों के बीच में मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे उन बच्चों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया है कि नहीं किया है, जो भी है, ठीक है. अब आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाती हूँ ये माही को. थोड़ा कैमरा मेरा ज़्यादा मूव हो रहा है बिकॉज़ वी आर नॉट प्रोफेशनल्स राइट नाउ, ना फर्स्ट वीडियो है, इतना तो चलता है प्लीज़. ये है माही जिसने 1 महीने पहले मुझसे ज्वाइन किया, बट शी इज़ डूइंग मच बेटर देन माई एक्सपेक्टेशंस. तो आप देख रहे हो कितना प्यारा कर रही है,
ये काव्या है, इसने आधी शीट कर ली है। अब ऊपर की जो तीन है ना, दो बची है, उसको मैम के सामने करना है। बट शी इज़ डूइंग गुड बट इन अ रॉन्ग पैटर्न, तो हम लोग वही पैटर्न उसको सिखा रहे थे कि किस तरीके से पैटर्न में करना है। ऐसे ऐसे करवाते करवाते मैं दूसरी टेबल पे आपको ले चलूँगी। दूसरी टेबल पे हमारी दूसरी मैम करवा रही हैं, आप देख रहे हो। दूसरी मैम भी ऐसे ही, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो इनको ना हाथ पकड़ के ही करवाना होता है, बिकॉज़ इसको आए हुए भी योगेश को 2-3 दिन ही हुए हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं कि वाह मज़ा आ गया, हमने कुछ किया। सो ये है, ये महाराज बैठे हुए थे हमारे सर कि मैम के सामने ही करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, कुछ बच्चे होते हैं वो जो मैम के सामने करेंगे। इसको भी हमने अच्छे से समझा कर किया, कर तो रहा था बट इन अ रॉन्ग मैनर कर रहा था। मतलब बस उसको ये था कि बस किसी तरीके से पूरा हो जाए, बट पूरा नहीं करना ना, समझ के करना है। पेंसिल नहीं उठानी तो नहीं उठानी। धीरे धीरे करके हमने ऐसे कर लिया। अब जैसे इसका कंप्लीट होगा, वैसे हम सब बच्चों की अब शीट में वापस ले रही हूँ चेकिंग के लिए। चुको जल्दी रहती कि मैम पहले हमारा, मैम पहले हमारा, बट बेटा शीट तो सबकी लेनी है मुझे, किसी को अपने घर नहीं ले जाने दूंगी बिना चेक किए। तो मैंने सबकी इकट्ठा कर ली है और अब मैं शीट्स को चेक करूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी पहली वीडियो है। प्लीज़ डू सपोर्ट मी। और जितने भी मेरे स्कूल के पेरेंट्स, जो भी मेरी क्लासरूम के बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं, होप आपको अच्छा लग रहा होगा देखकर कि यस मैम डूइंग बेटर और बेस्ट। जो भी है आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब ये सारी शेयर कंप्लीट हो चुकी है, अब इनकी स्क्रैप फाइल में मैं फेविकोल लगा के स्टिक कर दूंगी ताकि ये खोए भी ना और बच्चे के पास एज अ रिकॉर्ड रहे कि बच्चे ने किया है खुद, पेरेंट्स को भी पता चल जाए। वर्कशीट वाले दिन ज़्यादातर होमवर्क हम नहीं देते हैं क्योंकि वर्कशीट होता है एंड ऑफ द वीक होता है। इसलिए होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।